बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम क्लास। जैसा कि आपको पता है, हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 11 को डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा आज की वीडियो में वो है बेसिकली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से आपको चंद छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एक रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये तमाम बातें आज हम इस टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात जो कि हमारे टॉपिक का नाम है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मतलब क्या है। इसे आम जबान में हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। यानी एक रिएक्शन हमने स्टार्ट करना है, उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कम से कम हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, और हम जब केमिकली डिफाइन करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजंस टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये मेन चीज़ है, इफेक्टिव कोलिजन यानी वो कम से कम एनर्जी की मकदार जो कि एक रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए रिक्वायर्ड हो। वो रिएक्शन कब स्टार्ट होगा, जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इफेक्टिव कोलिजन होगी। अब ये इफेक्टिव कोलिजन क्या है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। हमने जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड करवाना है, आपको पता है रिएक्शन करवाने में दो चीज़ें होती हैं, एक तो रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से एक रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसे ही होता है ना, रिएक्टेंट्स मिलेंगे और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब उन रिएक्टेंट्स को कंबाइन करवाने के लिए यानी उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें चंद कंडीशंस की ज़रूरत है। अगर इन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी मिस होगी तो वो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। समझ लगी बात की। ये सेम ऐसे ही होता है जैसे हम मिसाल के तौर पर कोई सॉल्यूशन बना रहे हों और सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्सअप करें और वो आपस से जब मिक्सअप होगा एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, ऐसा ही होता है ना, तो सॉल्यूशन बन जाता है। इसी तरह से जब रिएक्शन हम करवा रहे होते हैं कोई, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं और वह मिक्सअप होकर एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन कर लेते हैं और इंट्रैक्शन के नतीजे में वो आगे प्रोडक्ट बना देते हैं। समझ लगी बात की। तो आगे बात करते हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के लिए ज़रूरी है, फिर ही वो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, मतलब अपना रिएक्शन प्रोसीड कर पाएंगे। तो वो बेसिकली थ्री कंडीशंस हैं। नंबर वन इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि अभी ऊपर बात की। नंबर टू इज़ इफेक्टिव कोलिजंस एंड नंबर थ्री इज़ प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये तीन कंडीशंस हैं, अगर इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी मिस होगी तो रिएक्शन नहीं होगा, मतलब रिएक्टेंट्स आपस से मिलके प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। समझ लगी बात की, क्लियर हो गया। तो रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए रिएक्टेंट्स को इन तीन चीज़ों की ज़रूरत है, प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी। प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, जितनी उस रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी रिक्वायर्ड है आपस में मिलने के लिए और मिलके प्रोडक्ट बनाने के लिए, कम से कम उतनी एनर्जी तो मिले ना। ठीक है, उससे ज़्यादा मिल जाए या उतनी कम से कम मिले, इससे कम अगर एनर्जी होगी उनके पास तो वो आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। समझ लगी बात की, क्लियर हो गया। लेट्स सपोज इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह समझे, मैं आपको फिजिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस। ठीक, मिसाल के तौर पर सपोज करें मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक, अब मेरे पास इतनी एनर्जी होगी, इतना स्टेमिना होगा कि मैं ऊंची आवाज़ में बोल सकूँ, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच सके, मैं आपको समझा सकूँ, इतनी मेरे पास एनर्जी होगी तो आपको समझ लगेगी ना, फिर ही मुझे आप आज के लेक्चर की आउटपुट मिलेगी। ऐसे ही है, मैं खुद ही निढाल हुआ हूँ, मेरे में एनर्जी ही ना हो और उसके बावजूद फिर भी मैं अगर लेक्चर देने की कोशिश करूँ तो वो प्रॉपर मैथड अपना नहीं पाऊँगा जो एनर्जी के साथ होगा। ऐसे ही है ना, ठीक है। इसी तरह रिएक्शंस के अंदर भी होगा कि रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब तक इनको इतनी एनर्जी ना मिले कि जितनी एनर्जी, कम से कम इतनी एनर्जी हो तो वो आपस में मिल सकें और वो प्रोडक्ट बना सकें, तो जब तक इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या, इफेक्टिव कोलिजन। अब ये इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है, कोलिजन बेसिकली दो तरह की होती हैं, नंबर वन इज़ इफेक्टिव कोलिजन एंड नंबर टू इज़ नॉन इफेक्टिव कोलिजन। यानी जब रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, इसे कोलिजन कहते हैं। कोलिजन का मतलब टकराना, मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना। तो जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल, जैसे सपोज एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है, इन दोनों को मिलाकर हमने प्रोडक्ट ए बी बनाना है।
ठीक है। तो रिएक्टेंट ए के मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट बी के मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, ठीक है। जब वो आपस में टकराते हैं तो वो उनकी कोलिजन दो तरह की होती है, एक होती है इफेक्टिव कोलिजन और एक होती है नॉन इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन ये वो कोलिजन होती है कि जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में जब टकराएं, यानी इफेक्टिव कोलिजन के साथ टकराएं, तो इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से टकराएं, इतनी ज़्यादा एनर्जी से टकराएं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लें। यानी ए और बी जो दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं, अगर इन दोनों के दरमियान इफेक्टिव कोलिजन होगी तो उसके नतीजे में ये एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, केमिकल बॉन्ड बना लेंगे, ए और बी आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब वो अपना रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बना देंगे। समझ लगी बात की। और नॉन इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है, ये वो कोलिजन होते हैं कि टकराते तो हैं, रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी से टकराया बट उनके अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं थी कि वो प्रॉपर एनर्जी के साथ टकराते और टकरा के एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन कर लेते, बॉन्ड बना लेते। यानी वो टकराए और टकरा के दोबारा बाउंस बैक हो गए, जैसे बॉल्स नहीं होती, दो बॉल्स को टकराया और टकरा के वो वापस एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। तो अगर ऐसी कोलिजन है, यानी उन्होंने आगे जाके प्रोडक्ट नहीं बनाई, इतनी एनर्जी नहीं थी उनके पास कि वो प्रॉपर एनर्जी से टकराते और टकरा के अपनी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनाते, तो कोलिजन तो हुई, टकराए तो हैं, लेकिन ये कोलिजन क्या कहलाएगी, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। तो एक रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए उन रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव कोलिजन कर सकें। अगर तो एनर्जी कम है, कोलाइड तो करेंगे लेकिन इतना अच्छा कोलाइड नहीं होगा जिसकी वजह से उनमें अट्रैक्शन नहीं आ पाएगी और वो नॉन इफेक्टिव कोलिजन हो। नॉन इफेक्टिव कोलिजन हुई तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी, और अगर इफेक्टिव कोलिजन होगी तो प्रोडक्ट आसानी से बन जाएगा, यानी रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना देंगे, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा भी, अब तीसरा पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। अब एक रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी भी पूरी मिल गई जी, उसकी कोलिजन भी इफेक्टिव आ रही है, यानी इतनी एनर्जी उनके पास है कि वो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर सकते हैं और प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके बावजूद बाज़ औक़ात प्रोडक्ट नहीं बनता। वो क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसमें ये तीसरा फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज़ द प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन से मुराद क्या, डायरेक्शन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स में वो एटम जो आपस में असल में बॉन्ड बना रहे हैं, उन एटम्स की डायरेक्शन भी प्रॉपर होनी चाहिए। समझेगी बात की, क्लियर हो गया। जैसे कि मिसाल के तौर पर सपोज करें, आप कहते हैं कि जी एक्सियल मॉलिक्यूल है, मैं ये साइड पर लिख रहा हूँ, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं। अब आपको पता है एक्सियल वाटर के साथ तभी रिएक्ट करेगा ना जब एक्सियल का सी एल नेगेटिव जो होगा ये वाटर के हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन करेगा। ऐसे ही होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा। अगर किसी वजह से ये ओरिएंटेशन ही ऐसी ना, यानी ऑक्सीजन जो है क्लोरीन वाली साइड पर ही रहे, हाइड्रोजन इस साइड पर ना जाए, तो अट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, सारी बात है। ऐसे ही इसे हम कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। जब तक ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगी, जब तक उन एटम्स की डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होगी कि जो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, जिनके आपस में बॉन्ड बनने से प्रोडक्ट बनना है, तब तक रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, वो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनेगी। मतलब जितनी मर्जी एनर्जी लगा लें, इफेक्टिव कोलिजन भी करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब तक ओरिएंटेशन नहीं ठीक होगी तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आप जितनी मर्जी स्ट्रगल करें, जितनी मर्जी मेहनत करें, दिन रात आप सर हला हला के रट्टे लगा रहे हैं केमिस्ट्री के ऊपर, लेकिन जब तक आप अपने उनको समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो सारी की सारी आपकी कोलिजन जो है वो सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट कर रही है, बिकॉज इस प्रोसेस में आपके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। समझ लगी बात, ठीक हो गया। तो ये तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं भाई, एनर्जी भी चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन्स भी चाहिए, और उसके अलावा प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स भी चाहिए ताकि वो आसानी से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकें। बॉन्ड बनेगा तो आगे प्रोडक्ट बनेगी। समझ लगी बात की। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है शॉर्ट फॉर्म में, प्रॉपर ओरिएंटेशन मीन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ द एटम्स टू फॉर्म द केमिकल बॉन्ड। समझ लगी बात की। इसकी आप एग्जांपल देखें ज़रा, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ये ए, ए और ए यानी इनके दरमियान ये इसका ये केमिकल बॉन्ड है, क्लियर। और एक रिएक्टेंट है हमारे पास बी, बी और बी के दरमियान ये केमिकल बॉन्ड है, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों आपस में मिलना चाहते हैं और मिलकर ए बी मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, ये ए और बी आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से अरेंज होंगे कि इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन आ जाए। जब प्रॉपर ओरिएंटेशन में आएंगे तो ये इस तरह से अरेंज होगी, लेट्स सपोज, यानी ये जब इस डायरेक्शन में अरेंज होते हैं तो ये आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं।
अब आप देखें इस बॉन्डिंग के अंदर आपको चार लाइंस नज़र आ रही हैं, दो आपको थिक लाइंस नज़र आ रही हैं, दो डॉटेड लाइंस हैं। जो ए और ए के दरमियान बॉन्ड था पहले, वो बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू होगा। इसी तरह जो बी और बी के दरमियान बॉन्ड था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होना शुरू, इनको डॉटेड लाइन से शो कर। अभी है, अभी टूटा नहीं है, टूटना शुरू हुआ है, समझ लगी बात की। और इसके बरक्स ए और बी के दरमियान बॉन्ड पहले नहीं था, अब बनना शुरू हो रहा है। और इसी तरह यहाँ भी ए और बी के दरमियान बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है, समझ लगी बात की, क्लियर। कुछ ही देर के बाद ये बॉन्ड टोटली ब्रेक कर देंगे और ए और बी के दरमियान बॉन्ड परमानेंटली बन जाएंगे, और एट देन हमारे पास ये ए बी प्रोडक्ट्स आ गए, समझ लगी बात की, क्लियर। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये जो सेंटर में ये जो स्टेट आई है, इस स्टेट में ये जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल बना था चार बॉन्ड्स वाला, इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। एक्टिवेटेड क्यों कहा? क्योंकि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, वो असल में एनर्जी क्या है कि वो इस स्टेट से पार करवा के इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर, इसी वजह से इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, समझ लगी बात। यानी एक्टिवेशन एनर्जी का असल में काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि रिएक्टेंट्स के मिलने से जो कॉम्प्लेक्स बनना है, इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ के प्रोडक्ट बना दे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है या कम है, तो उस केस में क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स आगे जाके प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। यानी ये बैरियर है बीच में, कॉम्प्लेक्स क्या है? ये एक दीवार है, एक बैरियर है, इसको पार करके रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना, समझ लगी बात, क्लियर हो गया। आगे देखें, इस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन, दो चीज़ों के दरमियान। तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान आ रही है ना स्टेट, इस वजह से इसे ट्रांजिशन स्टेट भी कहा जाता है, समझ लगी। और ये स्टेट बेसिकली अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल का मतलब क्या है? जैसे ही ये बनती है फौरन टूटेगा और प्रोडक्ट्स बन जाएंगे इसके। अनस्टेबल क्यों होगी? क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये फौरन अपने ये वाले बॉन्ड्स तोड़ेगा और तोड़ के एनर्जी लो करेगा और अपने रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी एक ही देखे कॉन्सेप्ट में आपको कितनी सारी बातें मिल गई, और ये छोटी छोटी बातें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? ट्रांजिशन स्टेट क्या है? ये बैरियर का काम क्यों करती है? एक्टिवेशन एनर्जी का असल में काम क्या है? इस बैरियर को क्रॉस करवाना ताकि प्रोडक्ट बन जाए। उसके अलावा ये स्टेट अनस्टेबल होती है, और अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जिस चीज़ की एनर्जी हाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, समझ आएगी बात, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आगे आए, ये तो हमने सारी बातें कर ली एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन से प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड। अच्छा, अब एक बात आप याद रखें, आपको पता है कि जब भी एक रिएक्शन मीडिया चल रहा होता है तो उसमें दो तरह की यूजुअली एनर्जीज होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ये दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है। जब मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव कर रहे हैं तो उनमें कौन सी एनर्जी होगी? शाबाश, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लग जाती है? ज़्यादा होने लग जाती है, समझ लगी। जब मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के इफेक्टिव कोलिजन करते हैं और कोलिजन के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं, तो जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, समझ लगी। आपने देखा होगा जब दो बॉल्स आपस में स्ट्राइक करते हैं, वो पॉइंट जब वो स्ट्राइक कर रहे होते हैं उस दौरान उनकी एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक जीरो हो जाती है। ऐसे ही है ना, जब वो बाउंस बैक करते हैं फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है, और उस दौरान पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और हम पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? रिएक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स वगैरह जो हैं, इनका आपस में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, जो कि ये आपके नीचे ग्राफ्स की शक्ल में दिखाई गई है। एक तरफ आपको एनर्जी दिखाई गई है वाई एक्सिस पर, ये एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब ज़्यादा होगी? जब कोलिजन हो रही होती है, इफेक्टिव कोलिजन। और आपको पता है इफेक्टिव कोलिजन होगी तो प्रोडक्ट बनेगा ना, इसलिए यहाँ पर मैं कौन सी एनर्जी लिखी है? पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ लग रही है? तो पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी तरफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन के कंपोनेंट्स जो भी हैं, रिएक्टेंट्स जो भी हैं, उनकी कंसंट्रेशन वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है रिएक्शन बेसिकली दो तरह का होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक एंडो होता है। और ये भी आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में, और एंडोथर्मिक में एनर्जी
अब्सॉर्ब होती है, ऐसे ही है, ठीक है। और ये भी किस फॉर्म में है, हीट की फॉर्म में। हीट एनर्जी बेसिकली क्या होती है, इट इज़ कलेक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों मिक्स होती हैं तो ये हीट एनर्जी बनती है, ठीक हो गया। बहरहाल अब सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जैसा कि अभी आपने बताया कि रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जब रिएक्टेंट्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो एब्जॉर्ब करने के नतीजे में जब उनका आगे प्रोडक्ट बनेगा तो जारी बात है प्रोडक्ट में एनर्जी क्या होगी, फिर ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब की ही है ना। रिएक्टेंट की जो अपनी एनर्जी थी उस एनर्जी के साथ उसने एक्स्ट्रा बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बनाई है, तो उस प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी क्या आई होगी, ज़्यादा आ गई होगी। इसलिए आप इस ग्राफ में देखें, ये जो सेंट्रल लाइन है रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है ये कम है, इसकी देखें पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, कम आ रही है, जबकि प्रोडक्ट्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। नज़र आ रहा है आपको, समझ लगी बात की। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो इफेक्टिव कोलिजन के लिए चाहिए, तो जो पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट्स की वो कम होती है जबकि प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है, समझ लगी। और इन दोनों के दरमियान ये इस तरह एक कर्व आती है, यानी कि अगर इस रिएक्टेंट ने इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको इस पूरे एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, और इस एनर्जी बैरियर पे ये जो आपको मैक्सिमम एनर्जी नज़र आ रही है, ये पॉइंट, ये जो टॉप है, पीक है इसकी, दिस पॉइंट इज बेसिकली नोन एज इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। ये एनर्जी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, इसे ई ए कहते हैं, ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, समझ लगी बात की। यानी कि इन रिएक्टेंट्स को हमें इतनी या इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके वो ये पूरा बैरियर, ये पूरा पहाड़ क्रॉस करके अपनी गाड़ी यहाँ तक पहुँचा पाएगा। अगर इतनी एनर्जी ना देंगे तो ये इतनी बड़ी पहाड़ की चोटी ये पार कर लेगा, इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इस इतने बड़े पहाड़ को, इसको क्रॉस करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए जितनी इस पहाड़ से गुजरने के लिए एनर्जी है, वो इसकी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी, समझ लगी बात, क्लियर हो गया। इसके बरक्स आप देखें दूसरा पॉइंट जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो में आपको पता है हीट एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट्स में से रिलीज हो जाती है, और जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो जारी बात है प्रोडक्ट जो बना होगा, एनर्जी तो रिलीज होगी तो प्रोडक्ट में एनर्जी क्या होगी, कम हो गई होगी। तो लेट्स सपोज शुरू में रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी ज़्यादा थी, ठीक है, जब प्रोडक्ट बना एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हुई तो एनर्जी क्या हो गई है, प्रोडक्ट के अंदर कम हो गई है, समझ लगी बात की। इसकी जो आपको पीक नज़र आ रही है, दिस पीक, ये बेसिकली ये इसका क्या है, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है। अब आप देखें कि इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ इतना बैरियर क्रॉस करना है, ऐसा ही है ना, यहाँ पर देखें कितना बड़ा बैरियर था, इतना बैरियर क्रॉस करना पड़ा, बल्कि ये नीचे तक है, यहाँ तक इतना बैरियर क्रॉस करना पड़ा, जबकि यहाँ पर इसको सिर्फ रिएक्टेंट्स को एक्टिवेशन इतना बैरियर क्रॉस करना पड़ा, ऐसा ही है, ठीक है। यानी इसको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इतनी एनर्जी ये किसी भी तरीके से जो इसको मिलेगी वो उस एनर्जी को यूज़ करके अपने रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। इससे आपको एक बात पता लगी जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, वो क्या कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, शाबाश। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। क्यों कम होती है एक्सोथर्मिक में, क्योंकि एक्सो में एनर्जी रिलीज होती है और रिलीज होने की वजह से रिएक्टेंट्स से होंगी, जब वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो जब हम इसकी कर्व बनाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम आती है। इसको साथ आपने ये ग्राफ बनाना है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है। सिमिलरली अगर हम इसमें बात करें एंडोथर्मिक में, तो उसमें हमने बात की कि रिएक्टेंट से होते हैं क्योंकि एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, तो अब्जॉर्ब करने से प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जब कर्व बनती है तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो पीक होगी वो क्या आएगी, बढ़ी आएगी, लार्जर पीक आएगी, और लार्जर पीक आने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगी, समझ आएगी बात की, क्लियर हो गया। ये था अभी क्लास, पूरा जो टॉपिक था एक्टिवेशन एनर्जी का, इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए कि रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, यानी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, उन तीनों कंडीशंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये आपसे शॉर्ट में कैसे पूछी जा सकती हैं बातें, जैसे व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, या व्हाट इज़ इफेक्टिव कोलिजन, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड इन इफेक्टिव कोलिजन, इसी तरह से
प्रूव दैट या ग्राफिकली रिप्रेजेंट द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, उनकी एनर्जी डायग्राम्स बनानी है आपने। फिर इससे रिलेटेड मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया शुरू में वो ये शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये पूछा जा सकता है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है ये पूछी जा सकती है। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये सारे इसके अंदर, और यही चीज़ें एमसीक्यूज के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है। ये था भाई आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने एक्विशन एनर्जी को डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह।